चेरी इज माई लाइक सिस्टर माई ओल्डर सिस्टर और हम लोग मिले थे ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले और हम लोग मिलके इतना अच्छा लगा कि शी इज़ लाइक मी मतलब वो मेरी एक कॉपी की तरह है बिल्कुल ओपन माइंडेड है और ये चेरी ये इनका घर है और यहाँ पे बहुत सारा स्टफ पड़ा है वो स्टोर की तरह ये इनका किचन है ये इनका किचन है यहाँ पे इस घर में एक डॉग ही रहता है ये इनके दोस्त की तरह ही है जिसका नाम माइलो है बहुत ही प्यारा सा डॉग है ये पूरा घर है और वहाँ सामने कार खड़ी है हम लोग फाइनली उस रिज़ॉर्ट के आसपास आ गए और बहुत ही खूबसूरत है ये जगह भी बिल्कुल माउंटेन के पास है इस साइड बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और इस साइड बहुत दूर तक फील्ड है फाइनली हम रिज़ॉर्ट में पहुंच गए और बहुत ही मतलब ग्रीन है पूरा बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे एक स्कूल का कोई ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे साइड अभी रिसेंटली यहाँ संगाई फेस्टिवल हुआ है तो चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है रात में काफ़ी खूबसूरत लगता होगा इस जगह का चार्ज 50 रुपये 50 रुपये पर पर्सन अंदर आने का और ये पूरा चारों तरफ एक जंगल सा है पूरा इसे रिजॉर्ट कहते हैं यहाँ पे और ये गवर्नमेंट शायद ओन करती है मे बी और बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही अच्छा है आप यहाँ पर घूम सकते हैं आके वहाँ कोई कॉलेज का ग्रुप है जहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चल रहा है यहाँ भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं अपना बर्थडे पिकनिक कुछ भी कर सकते ये पूरे पाइन के फॉरेस्ट हैं ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है और इसे एक रिजॉर्ट बनाया गया है पाइन के ये पूरे जंगल जो है ये यहीं पे है बहुत ही खूबसूरत है ये बहुत सारे स्कूल के लगता है लड़के आए हुए हैं इतने सारे लड़के हैं स्कूल के What is your name? My name is Kevin. ये चारों तरफ पाइन के पेड़ हैं और यहाँ पे कई सारी बेंचेस लगी हैं यहाँ पे दीदी बैठ गई हैं चेरी और यहाँ बहुत ही खूबसूरत है इवन सन रेज भी यहाँ पे नहीं आ रही हैं पूरा छाया छाया बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक करते हैं आके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मे बी अब घर जाएँ या घर के पास ही एक दूसरी जगह है वहाँ पे जाएंगे
खुबामलेन हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं और इस जगह का नाम है खुबामलेन। आगे कहीं ये जगह है इस साइड, बहुत ही पैडी फील्ड है जो अब कट गई है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सामने सनसेट होने वाला है। फाइनली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा एक माउंटेन है, माउंटेन पे पूरी रोड बनी हुई है जो ऊपर की तरफ जा रही है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। मेरी बहन कार चला रही है यहाँ पे हम लोग यहाँ हाईवे पर रुके हुए हैं और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों पे धीरे धीरे ये ऊपर रास्ता जा रहा है और यहाँ पे पूरा कितना अच्छा व्यू है। जब ये पूरा हरा होता है तो और भी खूबसूरत लगता है। इस साइड बहुत दूर तक फील्ड है बिल्कुल, जहाँ पे लोग खेतियाँ करते हैं और ये पूरे चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और ये रास्ता ऐसे होता हुआ पहाड़ों में ऊपर चलता चला जाता है। वहाँ खेतों में पानी भरे हुए हैं और मे बी अब दोबारा खेती स्टार्ट होगी वहाँ पर, तब फिर से बिल्कुल पूरा हरा हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी शांति है, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बहुत दूर तक कोई भी नहीं है। धीरे धीरे से ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग फिर से यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा और ऊपर आगे जाएंगे, वहाँ से और भी खूबसूरत दिखता है। हम लोग ऊपर तक जाके अब नीचे जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। वहाँ सामने माउंटेन दिख रहा है और सारा क्लाउड भी है, वहाँ देखिए पूरा कितना क्लाउड है। सनसेट वो देख, सनसेट कितना खूबसूरत है। ये इस साइड पूरे खेत हैं और सनरेज जब पड़ रही है ना पेड़ों पे तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। खूबसूरत है सामने की तरह। यहाँ से अब माउंटेन से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा और आगे जाके बिल्कुल प्लेन फील्ड आ जाएगा।